गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सातवीं आठवीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में वृद्धि स्वर संधि के बारे में बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि स्वर संधि के पांच भेद हैं। उन पांच भेद में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि तथा अयादि स्वर संधि। इसमें मैं आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि बता चुका हूँ। अब वृद्धि स्वर संधि, यदि अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः ए ऐ का ऐ तथा ओ औ का अ हो जाता है, इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखे आप कि अ जोड़ ए बराबर ऐ, एक जोड़ एक एक ऐ, यहाँ एक क में अ है और यहाँ ए है, एक में ए है, तो अ और ए मिलकर यहाँ ऐ हो गया। उसी तरह से आ जोड़ ए बराबर ए, महा जोड़ एकता महकता, महा में यहाँ आ है, एकता में ए है, आ और ए मिलकर के यहाँ ए हो गया। अ जोड़ ए बराबर ए, यहाँ मत जोड़ ऐक्य मत ऐक्य, पथ में अ है, ऐक्य में ए है, दोनों मिलकर यहाँ ए हो गया। अब है आ जोड़ ए बराबर ए, महा जोड़ ऐक्य महक्य, यहाँ भी महा में आ है, ऐक्य में अय है, आ और अ मिलकर यहाँ अय हो गया। अब है अ जोड़ ओ बराबर अ, जल जोड़ ओध जलौध, जल में यहाँ ल में अ है, ओध में ओ है, और ओ मिलकर यहाँ ओ हो गया जलौध में। अब है आ जोड़ अ बराबर अ, यहाँ महा जोड़ ओध महौध, महा में यहाँ आ है, ओध में ओ है, आ और ओ मिलकर यहाँ अ हो गया। अब है अ जोड़ अ बराबर अ, वन जोड़ औषधि वन औषधि, वन में यहाँ नौ में अ है, औषधि में यहाँ अ है, और अ मिलकर के यहाँ अ हो गया। अब है आ जोड़ अ बराबर अ, महा जोड़ औषधि महौषधि, महा में यहाँ आ है, औषधि में अ है, दोनों मिलकर यहाँ अ हो गया महौषधि। इस प्रकार यह वृद्धि स्वर संधि समाप्त हुआ। अगले रोज मैं आप लोगों को यन स्वर संधि बताऊंगा।